हेलो एवरीवन, जब हमारा बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है तो हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हम बच्चे की डाइट में सारे हेल्दी फूड्स इंक्लूड करें ताकि हमारा बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो, बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से हो। तो आज हम ऐसे एक फूड के बारे में बात करेंगे जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलिए उस फूड के बारे में बात करते हैं और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आलमंड्स के बारे में, यानी कि बादाम के बारे में। बादाम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए तो वो अच्छा होता ही है। तो बादाम जो है एक ऐसा फूड है जो हमें बच्चे की डाइट में आफ्टर 6 मंथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे को हमें बादाम कब से देना चाहिए, बच्चे को बादाम हमको किस तरीके से देना चाहिए, बच्चे को बादाम हम कितनी क्वांटिटी में खिला सकते हैं और बादाम देने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम बच्चे को बादाम कब से दे सकते हैं। तो जब बच्चे को हम सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब हमारा बेबी 6 मंथ्स का हो जाता है, तब हम बच्चे को जो है बादाम खिला सकते हैं। और बच्चे को बादाम जो है हमेशा हमें पाउडर फॉर्म में देना है। अब बच्चे को बादाम जो है हम कितनी क्वांटिटी में खिला सकते हैं, तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, 3 साल से छोटा है, तब तो आप बच्चे को पाउडर फॉर्म में दीजिए। और बच्चा अगर आपका 3 साल से बड़ा है तो आप उसको दिन भर में जो है 3 से 4 बादाम खिला सकते हैं। 3 साल से छोटे और 6 महीने से बड़े बच्चे को आप दिन भर में 1 से 2 चम्मच पाउडर के फॉर्म में बादाम को दे सकते हैं। अब जानते हैं कि बादाम के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट बादाम का ये है कि बादाम जो है वो बच्चे की हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे के बोन्स को वो हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि बादाम में जो है कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, और कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है हमारे बोन्स को स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे बेनिफिट ये है कि बादाम जो है वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बादाम में जो है वो राइबोफ्लेविन नाम का एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है जो बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, बच्चे के इंटेलिजेंस लेवल को बहुत ही अच्छा करता है। इसकी तीसरी बेनिफिट ये है कि बादाम में जो है फाइबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होता है, जिसके कारण ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बादाम जो है वो बच्चे के डाइजेशन को अच्छा करता है। जिस बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उनको बादाम ज़रूर खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे का पेट जो है वो आसानी से क्लियर हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसके नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि बादाम में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो कि बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह एक एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि बादाम में जिंक, विटामिन B6 और फॉलेट होता है, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बच्चे की बॉडी को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को हम आलमंड कैसे खिला सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा अभी तक च्यू नहीं कर पाता है खाने को, तो आप बच्चे को बादाम का पाउडर जो है मिल्क में ऐड करके दे सकते हैं। आप बच्चे को जो है आलमंड मिल्क से दे सकते हैं। आप सिंपली जो है मिल्क में जो है आलमंड पाउडर को ऐड करके बच्चे को खिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, खाने को चबा पा रहा है, आप बच्चे को पैनकेक दे रहे हैं, कुकीज़ दे रहे हैं, तो आप बच्चे को आलमंड की कुकीज़ बना करके दीजिए, या फिर आप बच्चे को व्हीट और आलमंड की पैनकेक बना करके खिला सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में जो है आप बच्चे को आलमंड दे सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है जब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, तो सिंपली आप जो है आलमंड को रात में ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए बादाम को अच्छे से आप सोक कर दीजिए। सुबह उसके छिलके को उतार कर बच्चे को खाने के लिए दीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और आगे चलकर भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।